anatomy class, in which today we will study about the second topic of embryology, that is the development of the fertilized ovum. हमने अपनी previous class के अंदर embryology start कर ली थी. अब हम उस embryology को आगे पढ़ रहे हैं. उस embryology के बारे में जो general introduction था, हम लोगों ने अपनी first class में वो चीज़ें पढ़ी थी. अब सबसे पहले भाई देखिए, जब ovum फर्टिलाइज्ड ओवम जब डेवलप होता है, तो हम फर्टिलाइज्ड ओवम को क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं. तो इसके डेवलपमेंट के अंदर हमारे को जो पढ़ना होता है फर्टिलाइज्ड ओवम के अंदर, तो नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है मॉर्यूला का फॉर्मेशन. देखिए, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो है वो डिवाइड होता है दो सेल्स के अंदर, ब्लास्टोमियर जिसे हम कह रहे हैं. ये डिवीज़न माइटोसिस डिवीज़न होता है, और लगभग इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद 30 घंटे लगते हैं. 30 घंटे के इस डेवलपमेंट में जाइगोट टू सेल्स में डिवाइड होता है, जिसको हम ब्लास्टोमियर कहते हैं. ये डिवीज़न माइटोटिक टाइप का होता है. ये ब्लास्टोमियर्स उसके बाद कंटिन्यू डिवाइड होता रहता है बाइनरी डिवीज़न के द्वारा. तो इसमें 4, 8 और 16 सेल की स्टेज आती है, तब तक जब तक कि एक क्लस्टर ऑफ सेल्स नहीं बन जाती. मतलब पहले एक सेल थी, जो जाइगोट था वो एक सेल थी, डिवाइड होकर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 स्टेज बनी, और फिर क्लस्टर ऑफ सेल बन गया, जिसको अपन ने क्या कहा, मॉर्यूला. क्योंकि ये मलबेरी फ्रूट के जैसा लगता है, इसलिए इसका नाम मॉर्यूला दिया गया था. मॉर्यूला जब 3 दिन बीत जाते हैं, मतलब 72 आवर्स जब उसको यूटेराइन ट्यूब के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद ये यूटेराइन कैविटी यानी यूट्रस के अंदर जाता है एक नैरो यूटेराइन ऑस्टियम के द्वारा, जो 1 मिलीमीटर उसकी उसका डायमीटर रहता है. तो 4th डे पर, 3 दिन तक तो इस मॉर्यूला को समय लगता है यूटेराइन ट्यूब में, और फिर 4th दिन जो है ये यूटेराइन कैविटी के अंदर पहुँच जाता है. ये मॉर्यूला का डेवलपमेंट दिखाया गया. देखिए, पहले ये जाइगोट है जिसमें 2 पोलर बॉडीज बनी हुई हैं. ये 2 पोलर बॉडीज जो हैं, सॉरी बीच में से थोड़ा सा जो है वो डिस्टरबेंस आ रहा है. तो इसमें क्या है कि 2 पोलर बॉडीज बनी हुई हैं, आपको दिखाई दे रही हैं. फिर यहाँ पर डिवीज़न स्टार्ट हुआ, माइटोटिक डिवीज़न. तो एक सेल से 2 सेल स्टेज बनी, और इसकी ये जो लेयर है ज़ोना पेलुसिडा है, 2 से फिर 4 सेल्स बनी, 4 से 8 बनी, 8 से 16 बनी, और 16 सेल की स्टेज को हमने क्या कहा, मॉर्यूला कहा. अब ये 72 आवर्स तक तो फर्टिलाइजेशन के बाद 72 आवर्स तक तो ये रहता है जहाँ पर ये था, वहीं यूटराइन ट्यूब के अंदर. और 72 आवर्स के बाद 4th डे ये जो है इस तरह से ट्रैवल करता हुआ यूटराइन कैविटी में चला जाता है. इसको भी थोड़ा सा बड़ा करके हम देख लेते हैं. भाई देखिए, ये बताया हुआ है कि ये ओवरी है, ओवरी में कॉर्पस ल्यूटम है, उसका ये मैच्योरिंग फॉलिकल है, मैच्योरिंग फॉलिकल में से ओव्यूल निकला. इस ओव्यूल के निकलने को हम ओव्यूलेशन कहते हैं. ये ओव्यूलेशन यूटराइन ट्यूब के एम्प्यूला के अंदर एंटर हुआ. यहाँ पर सेकेंडरी ऊसाइड बन रहा है, और इसी जगह पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है. स्पर्म सेल आकर के इसमें फर्टिलाइज हो रही है ओवम में, और इन दोनों का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ होता है. ओवम का प्रो न्यूक्लियस और स्पर्म का प्रो न्यूक्लियस. देखिए, क्लियर बताया गया, कितना अच्छा सा साफ साफ ना, ब्लू कलर का स्पर्म प्रो न्यूक्लियस, और ये पिंक से कलर का, लाइट पिंक से कलर का ओवम का प्रो न्यूक्लियस है. दोनों आपस में फर्टिलाइज हुआ. अब ये देखो, दिखाए गए स्पर्म कई सारे आए हैं, पर फ्यूज़ केवल एक ही स्पर्म होता है. और जब ये एक स्पर्म इसके अंदर चला जाता है, तो बाकी सब स्पर्म्स की एंट्री को ये अपने आप बैन कर देता है, जो हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था. फिर जब ये फ्यूज़न होता है, तो इसे जाइगोट बनता है. किनारे पर आपको 2 पोलर बॉडीज़ भी दिखाई दे रही हैं. फिर ये जाइगोट में और डिवीज़न होएगा, माइटोटिक डिवीज़न, जिससे 1 सेल से 2 सेल स्टेज आएगी, 2 से 4 सेल स्टेज, 4 सेल से 8 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज से 16 सेल स्टेज आएगी, और इसको हम क्या कहते हैं, मॉर्यूला. ये पूरा पूरा जो डेवलपमेंट चल रहा है, इसको अपन क्लीवेज कह देते हैं. मॉर्यूला आगे जा कर के ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा, फिर ये एम्ब्रियोब्लास्ट, ऑफोब्लास्ट, जिसको हम आगे अभी पढ़ेंगे, लेटर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी तो नहीं. तो मॉर्यूला तो बन गया, नेक्स्ट है ब्लास्टोसिस्ट बनना है. अब मॉर्यूला एक बार जब यूटेराइन कैविटी में एंटर हो जाता है, तो वो फ्रीली फ्लोट करना शुरू कर देता है अगले 2 दिन तक.
उसके बाद उसके चारों तरफ एंडोमेट्रियल फ्लूड और म्यूकस की कवरिंग बन जाती है। यूट्राइन कैविटी में एंटर कर गया, फ्लोट होने लग गया फ्रीली, फिर उसके चारों तरफ एंडोमेट्रियल फ्लूड और म्यूकस की कवरिंग बन गई। ये फ्लूड जो है वो कैनेलिक्यूलाई के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है। कौन सी कैनेलिक्यूलाई? जोना पैल्यूसिडा, जो लेयर है जोना पैल्यूसिडा की कैनेलिक्यूलाई के द्वारा अब ये फ्लूड एब्जॉर्ब हो गया। पहले तो फ्लूड बना, उस एंडोमेट्रियल फ्लूड बना और उसने कवर किया और अब ये फ्लूड एब्जॉर्ब हो गया। यहाँ पर जब ये फ्लूड एब्जॉर्ब हो जाता है तो मॉर्यूला जो है वो फ्लूड को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करता है, एक कैविटी बना लेता है अपनी सेल्स के बीच में, कैविटी बना लेगा। एक बार ये कैविटी जब दिखाई देने लग जाती है तो इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। जोना पैल्यूसिडा की कैनेलिक्यूलाई ने फ्लूड को एब्जॉर्ब किया, मॉर्यूला ने फ्लूड को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दिया और फिर एक कैविटी बना ली इन सेल्स के बीच में। एक बार ये कैविटी दिखाई देने लग गई तो अब इसको अपन क्या कह देते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं हम इसे। अब देखिए फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट के फर्स्ट 6 डेज में क्या क्या इवेंट चल रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट 6 स्टेज में यहाँ ये ओवरी दिखाई गई है, फीमेल के अंदर ओवरी, ओवरी में ओव्यूलेशन हुआ जो अभी हमने पहले ही पढ़ा था। ये ओव्यूलेशन यानी ये जो ओव्यूल है जिसको हम ओसाइट कहते हैं या एग कहते हैं आम भाषा में, ये यूट्राइन ट्यूब के अंदर गया, यहाँ पर इसका फर्टिलाइजेशन चला। फर्टिलाइजेशन के बाद में स्पर्म जब एग में घुस गया उसी को अपन फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। तो वो फ्यूज़न जो हुआ उससे जो स्ट्रक्चर बनती है वो फर्टिलाइज्ड एग कहलाती है और उसका साइंटिफिक टर्म है जाइगोट। ये जाइगोट बना, जाइगोट से 2 सेल स्टेज देन 4 सेल स्टेज बनी, देन ये 2 दिन में ऐसा डेवलपमेंट चलता है, फिर 3 दिन में मॉर्यूला बन जाता है, 4th दिन अर्ली ब्लास्टोसिस्ट जो अभी अभी अपन ने पढ़ी थी। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बनती है। ये ब्लास्टोसिस्ट की कैविटी दिखाई गई है, उसके एक साइड में इकट्ठी हुई इनर सेल मास दिखाई गई है और उसकी लेयर को अपन ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। यही चीज़ जो है यहाँ पर, ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो 6th दिन इम्प्लांट होती है यूट्रस की कैविटी में। ब्लास्टोसिस्ट जो है वो 6th दिन यूट्रस की, हालांकि ब्लास्टोसिस्ट की जो अर्ली ब्लास्टोसिस्ट है जो 4th डे है वो यूट्रस की कैविटी में जा चुका है, पर 6th डे जो है ये ब्लास्टोसिस्ट अब इम्प्लांट होगा यूटराइन कैविटी के अंदर। तो ये ब्लास्टोसिस्ट जिसमें जोना पैल्यूसिडा जो है वो खिंच जाती है, पतली हो जाती है और धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती है इम्प्लांटेशन से पहले। जो लेयर थी ना इसकी जोना पैल्यूसिडा वो खिंच करके पतली हो जाएगी और इम्प्लांट होने से पहले के, इससे पहले यूट्राइन कैविटी में जाकर के स्थापित हो, इम्प्लांट हो, उससे पहले ये जोना पैल्यूसिडा वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। फिर आउटर सेल मास, सेल का जो आउटर सेल मास है वो ब्लास्टोसिस्ट की दीवार बनाता है, इसको अपन ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। भाई बाहर की लेयर तो डिसअपियर होगी तो अंदर क्या बची, सेल्स बची। सेल का जो आउटर सेल मास है वो एक दीवार बना देगा ब्लास्टोसिस्ट की, इसको अपन ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे, जबकि इनर सेल मास कंसर्न होगा एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए, यानी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करेगा इनर सेल मास और आउटर सेल मास क्या बनाएगा, ट्रोफोब्लास्ट। तो वापस देख लीजिए तो वही जाइगोट 2 सेल 4 सेल स्टेज 6 8 सेल स्टेज मॉड्यूला कहलाया, ये अर्ली ब्लास्टोसिस्ट बना, ये लेट ब्लास्टोसिस्ट बना। तो ये अर्ली ब्लास्टोसिस्ट में ये इनर सेल मास, ऊपर ब्लू कलर की सेल्स आपको दिख रही है, ये तो बनाएंगे एम्ब्रियोब्लास्ट, ये कैविटी है ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, और ये जो बाहर की सेल्स है आउटर सेल मास ये क्या बनाएंगी, ट्रोफोब्लास्ट बनाएंगी, और ये नीचे से जो जोना पैल्यूसिडा है वो डीजनरेट होती हुई आपको दिखाई गई है। अब इसमें 2 अलग अलग तरह की सेल टाइप्स आपको दिखाई दे रही है, आउटर सेल मास और इनर सेल मास। आउटर सेल मास तो ट्रोफोब्लास्ट बना रहा है जो कि आगे इन्वेडिंग प्लेसेंटा बनाएगा। ट्रोफोब्लास्ट से क्या बनेगा, इन्वेडिंग प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो बच्चे को न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, ब्लड वगैरह सब चीज़ें सप्लाई करता है और उसका वेस्ट को रिमूव करता है। इनर सेल मास एम्ब्रियो बनाएगा, इनर सेल मास से एम्ब्रियो बनेगा और ट्रोफोब्लास्ट से प्लेसेंटा बनेगी। ये ब्लास्टोसिस्ट जिसमें 2 सेल्स थी आउटर और इनर सेल मास, आउटर से ट्रोफोब्लास्ट बन गया, ट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा और कोरियन बनाता है, इनर सेल मास से फीटस बनेगा, एमनियन बनेगा, अम्बिलिकल कॉर्ड बनेगी। कोरियन और एमनियन ये 2 लेयर हैं, कोरियन बनती है ट्रोफोब्लास्ट से और इनर सेल मास से बनती है एमनियन, अम्बिलिकल कॉर्ड और फीटस, और ट्रोफोब्लास्ट से प्लेसेंटा और कोरियन, इस तरह से डेवलपमेंट चलेगा। अब HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन,
ये ट्रोफोब्लास्ट है प्रोड्यूस होता है छठे दिन पर, छठे दिन पर इम्प्लांट हुआ था, छठे दिन पर ही ट्रोफोब्लास्ट से HCG प्रोड्यूस होगा। ये HCG यूट्रस के एंडोमेट्रियम को ग्रो करेगा और प्रोलिफरेट करेगा। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो यूट्रस की इनर सेल मास है, इनर सेल की लाइनिंग है जिसको आप एंडोमेट्रियम कहते हैं, उस एंडोमेट्रियम को ये ग्रो करता है और प्रोलिफरेट करता है, यानी खूब सारी सेल्स बन जाती हैं वो। फिर HCG नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रोकता है, एक तो यूट्रस को डेवलप कर रहा है और एक नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोक रहा है। इसी वजह से फीमेल में जो पीरियड्स होते हैं वो मिस होते हैं जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, मिस्ड पीरियड की कंडीशन, पीरियड्स नहीं आते मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल उनके अंदर नहीं चलती 9 महीने तक, बल्कि उससे आगे तक भी नहीं चलती। ये अब सेकेंड वीक के अंदर इम्प्लांटेशन दिखाया गया है। तो ये जो फर्स्ट वाला डायग्राम था ये तो मैं आपको बार 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 बता चुकी हूँ, आई होप आपको याद भी हो गया होगा। दूसरा वाला देख लीजिए डायग्राम, यूट्रस की ल्यूमन दिखाई गई है और ये एंडोमेट्रियम, फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। फिफ्थ डे देखिए ये ब्लास्टोसिस्ट, सिक्स्थ डे ये ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियो ब्लास्ट दिखाया गया। पहले तो ब्लास्टोसिस्ट थी, ब्लास्टोसिस्ट की अब ये दो लेयर्स थी, आउटर इनर, इनर ने एम्ब्रियो ब्लास्ट बनाया, बाहर ने ट्रोफोब्लास्ट बना लिया। सेवन्थ डे ये देखिए ये एम्ब्रियो ब्लास्ट डेवलप हो रहा है और ये साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसीशियोट्रोफोब्लास्ट, ये लेयर की ये दो अलग से स्ट्रक्चर बताई गई है जो हम आगे पढ़ेंगे। ये साइटोट्रोफोब्लास्ट को देखिए ये प्रोलिफरेट हो रही है और सिंसीशियोट्रोफोब्लास्ट भी एनलार्ज होके प्रोलिफरेट। ये हाइपोब्लास्ट एपीब्लास्ट स्ट्रक्चर बताई गई है जिससे क्या बन गया, बाई लैमिनर जर्मिनल डिस्क बना लेती हैं ये हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट, बाई लैमिनर जर्मिनल डिस्क। नाइन्थ डे देखिए अब आप साइटोट्रोफोब्लास्ट कितनी ज़्यादा प्रोलिफरेट हो चुकी है और प्रोलिफरेट होकर के इसके चारों तरफ, इसने किसके चारों तरफ ये जो आपको दिखाई दे रही है पूरी स्ट्रक्चर इसको कवर कर लिया। और सिंसीशियोट्रोफोब्लास्ट को देखिए कैसे डेवलप हो रही है, यूट्राइन ग्लैंड दिखाई गई है इसके, ये जो अब बना है या एम्ब्रियो ब्लास्ट वगैरह जहाँ बन रहा है, ये यॉर्क सैक दिखाया गया येलो कलर का, या हाइपोब्लास्ट एपीब्लास्ट ने तो बाई लैमिनर जर्मिनल डिस्क बनाई थी, ये एमनियोटिक कैविटी बन रही है और ये एमनियन है। तो ये इम्प्लांटेशन इस तरह से हो रहा है। इम्प्लांटेशन छठे दिन के बाद, फर्टिलाइजेशन के छठे दिन के बाद इम्प्लांटेशन होता है, लगभग 20 दिन रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद ऐसा चल रहा होता है। रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के 20वें दिन ये इम्प्लांटेशन और प्रोसेस चलता है, जब जोना पेलोसिडा ब्लास्टोसिस्ट को जो सराउंड किए हुए रहती है वो इस समय डिसअपियर हो जाएगी जोना पेलोसिडा, और उसमें ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स जो है वो एंडोमेट्रियम साथ में एडहेसिव बन जाती है, चिपक जाती है ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स, क्योंकि जोना पहले से ज़्यादा डिसअपियर हो गई, अब बची ट्रोफोब्लास्ट, वो ट्रोफोब्लास्ट एंडोमेट्रियम के साथ में जाकर ये चिपक जाएगी, जो कि अपन ने अभी पिछले डायग्राम में देखा था। ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स अब स्ट्रोमल सेल्स के अंदर घुस जाएगी, इन्वेड द स्ट्रोमल सेल्स लाइंग बिटवीन द सीक्रेटरी एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स बाय द हिस्टोलाइटिक एक्शन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट के हिस्टोलाइटिक एक्शन जो होता है वो एंडोमेट्रियल ग्लैंड के द्वारा ब्लास्टोसिस्ट का हिस्टोलाइटिक एक्शन होता है, ब्रिंगिंग अबाउट द डीपर पेंट्रेशन ऑफ द डेसिडुआ। उस हिस्टोलाइटिक एक्शन की वजह से ये जो अभी स्ट्रक्चर यूट्रस के अंदर घुसी थी, स्ट्रोमल सेल के अंदर जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स घुसी थी, ये और ज़्यादा डीप में चली जाती है, डीपर पेनिट्रेशन हो जाता है ये हिस्टोलाइटिक एक्शन के द्वारा। किसका हिस्टोलाइटिक एक्शन है? ब्लास्टोसिस्ट का, सीक्रेटरी एंड्रोमेट्रियम ग्लैंड के द्वारा हिस्टोलाइटिक एक्शन होता है ब्लास्टोसिस्ट का, जिससे कि ये डेसिडुआ में और ज़्यादा गहरे तक चली जाती है। अब सिंसीशियल सेल जो कि मल्टी न्यूक्लेटेड सेल्स होती है, अल्टीमेटली एंडोथीलियल कोट में चली जाती है, मैटरनल डेसिडुअल कैपिलरी के एंडोथिलियल कोट में चली जाती है और एक कम्युनिकेशन बना लेती है सिंसेशियल लैक्यूनार सिस्टम का। तब इस वजह से जो मैटरनल ब्लड है वो सर्कुलेट होता है सिंसेशियल लैक्यूनी के द्वारा और उस ब्लास्टोसिस्ट को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये देखिए डायग्राम के अंदर बताया गया है आपको, ये लैक्यूनी दिखाई गई, इस लैक्यूनी के द्वारा नरिशमेंट देगा, ये मैटरनल ब्लड वेसल्स हैं, ये एंडोमेट्रियल लेयर है, ये ट्रोफोब्लास्ट पिंक कलर की दिखाई गई, ये सेलुलर ट्रोफोब्लास्ट है, एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट दोनों स्ट्रक्चर
एपिब्लास्ट ब्लू कलर से दिखाई गई, डार्क ब्लू से हाइपोब्लास्ट तो सिंपल सेल्स दिखाई गई है। एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन है, फाइब्रिन का प्लग है। ये प्राइमरी यॉर्क सेल एपिथीलियम, ये एमनियन एमनियोटिक कैविटी, और ये यूटराइन ग्लैंड्स हैं जो कि अपना आगे फंक्शंस कर रही हैं। अब आगे जो पेनिट्रेशन है वो मैटरनल इम्यूनोलॉजिकल ब्लॉकिंग फैक्टर के द्वारा रुक जाता है, क्योंकि इस ज़्यादा अंदर नहीं घुस रही जितनी घुसती थी, वो घुस चुकी थी। अब ये जो पॉइंट ऑफ एंट्री है ब्लास्टोसिस्ट का डेसीडुआ में, जहाँ से ये घुसा था, ब्लास्टोसिस्ट जहाँ पे डेसीडुआ में घुसा था, उस पॉइंट ऑफ एंट्री को सील कर जाता है फाइब्रिन कोट के द्वारा और बाद में एपिथीलियम के द्वारा। पहले तो फाइब्रिन का कोट वहाँ पे बन जाता है और उसके बाद एपिथीलियम के द्वारा ये सील हो जाता है, मतलब और कोई चीज़ इसके अंदर नहीं घुसेगी। इस प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन को कम्प्लीट होने में 10 से 11 दिन लग जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद 10 से 11वें दिन के अंदर ये इम्प्लांटेशन पूरा होता है। इस तरह का डीपर पेनिट्रेशन, ह्यूमन ब्लास्टोसिस का डीपर पेनिट्रेशन इंटरस्टेशियल इम्प्लांटेशन कहलाता है। ये जब डीप में चला गया ना, ट्रोफोब्लास्ट चली गई डेसिडुआ के अंदर डीप तक चली गई, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टेशियल इम्प्लांटेशन। और यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट जो है वो कवर्ड हो गई चारों तरफ से एंडोमेट्रियम के द्वारा या डेसिडुआ के द्वारा, डेसिडुअल लेयर बन गई। ओकेजनली यहाँ पे ब्लड फ्लो जो है लैक्यूनर स्पेस में बढ़ जाता है, ऐसा अक्सर देखा जाता है, और ब्लीडिंग कॉज होती है, तो इसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। कई बार लोगों को ऐसा डाउट होता है कि ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, पर ये मेंस्ट्रुअल ब्लीड नहीं है, ये इम्प्लांटेशन ब्लीड है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है लैक्यूनर स्पेस में, जिससे ब्लीडिंग कॉज होती है, और लगभग ये 13वें दिन होती है फर्टिलाइजेशन के 13वें दिन, यानी एक्सपेक्टेड डे जो है पीरियड का वो यही माना जाता है। तो ये कन्फ्यूज़न कॉज कर देता है ईडीडी को डिटरमाइन करने में। ईडीडी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट को ईडीडी कहते हैं, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, क्योंकि एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट अपन इसी से पहचानते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो से। तो कई बार कुछ जो फीमेल्स होती है वो इसको मेंस्ट्रुअल डेट बता देती है, जबकि ये 13 डे का इम्प्लांटेशन ब्लीड है, ना कि मेंस्ट्रुअल ब्लीड है। तो ये कई बार कन्फ्यूज़न कॉज कर देता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ओवम का डेवलपमेंट कैसे होता है और उसका इम्प्लांटेशन कैसा होता है हमने पढ़ लिया, और ईडीडी में कैसे कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो फिर आप जब भी कभी ईडीडी निकालते हैं किसी पेशेंट की, तो उससे अच्छे से पूछिएगा कहीं वो इम्प्लांटेशन ब्लीड को मेंस्ट्रुअल ब्लीड समझ करके डेट ना बता रहे, क्योंकि ईडीडी अपन कैसे निकालते हैं कि उससे पूछते हैं कि लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट आपकी कब थी, वो बताएगी फीमेल, फिर आप उससे एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट निकालेंगे, तो कई बार गलत निकल जाती है, इसी वजह से जो है वो उसको गलत डेट देते हैं, और वो फिर जल्दी आ जाती है या फिर लेट आती है, या उस हिसाब से वो चीज़ें चल रही होती है, वो नहीं होनी चाहिए। ध्यान से समझ करके इस चीज़ को करें।